नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 4 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी संख्या में प्रवासियों ने सीएम का किया गर्मजोशी से स्वागत। सीएम का 25 सितंबर से 29 सितंबर तक रहेगा ब्रिटेन दौरा। पावत में गुलदार का आतंक, स्कूटी सवार दो लोगों पर किया हमला, दोनों को आई गंभीर चोटें। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने किए 3 पिंजरे और 8 ट्रैकिंग कैमरे स्थापित। देहरादून पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी, 2 नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। लाखों की कीमत की लगभग 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार सरकार ने जोशीमठ भूदसाव की रिपोर्ट को किया सार्वजनिक। भूदसाव के कारणों को जानने के लिए देश के बड़े 8 रिसर्च संस्थानों ने किया अध्ययन। पुष्पांजलि रिमल्स एंड इंफ्रोटेक लिमिटेड के डायरेक्टर राजपाल वालिया पर 25,000 का इनाम घोषित, लंबे समय से चल रहे थे फरार। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री धामी का लंदन में भव्य स्वागत किया गया। दरअसल 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लंदन एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी के स्वागत में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे। लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय और उत्तराखंड मूल के लोगों ने मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के वादन और उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह डेलीगेशन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार का डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में दुनिया के बड़े बिजनेस हाउसेज में से बैठक करेगा और आगामी दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोमवार को लंदन पहुंचने पर वहां मौजूद प्रवासी भारतीय और लंदन में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों द्वारा भव्य रंगारंग स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंदन में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोक गीतों पर मनमोहन प्रस्तुतियां दी। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद समस्त प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रह रहे समस्त प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का अवसर प्राप्त हुआ। देहरादून पुलिस के नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रेमनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से लगभग 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद हुई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि एक आरोपी पानीपत और दूसरा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि ये रानीखेत से आगे जाकर बाइक से चरस लेकर आए थे। मामले में जानकारी जुटाई जा रही है कि ये चरस कहाँ से लाए थे और किसको बेचने जा रहे थे। द्वारा भी जो है देखिए नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसी के क्रम में थाना प्रेमनगर द्वारा भी जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जिनके पास से लगभग 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद हुआ है। ये एक अभियुक्त इसमें पानीपत का रहने वाला और एक अभियुक्त मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके द्वारा जो है बाइक से रानीखेत के आगे जा करके ये चरस लाई गई है और इनके पास से बरामदगी के बाद इनकी अरेस्टिंग की गई है।
पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड के फरार डायरेक्टर राजपाल वालिया के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम जारी किया है। लंबे समय से फरार चल रहे हैं पुष्पांजलि बिल्डर्स, जिसमें पुलिस पहले दीपक मित्तल और उनकी पत्नी राखी मित्तल, जो कि विदेश में बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम चल रहा है। वहीं अब पुलिस ने राजपाल वालिया को भी इनामी अपराधी घोषित किया है। ये थाना डालन वाला पर एक मुकदमा पिछले वर्ष लिखा था, जिसमें मित्तल फैमिली जो है के दीपक मित्तल और राखी मित्तल पर इसमें केसेस रजिस्टर्ड थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजपाल वालिया का नाम आने पर उस पर भी साक्ष्य होने पर इसमें इनाम घोषित किया गया, क्योंकि तीनों लोग अभी फरार चल रहे हैं लगातार, और न्यायालय से इसमें वारंट भी लेने के बाद इसमें इनाम किया गया। राजपाल वालिया पर अब 25,000 का इनाम भी अभी घोषित किया गया है, और ये दो लोग जो पहले पुरुष थे, इनका अभी पता चला था कि इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी है। देहरादून में प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव अभियान चल रहा है, जिसके मद्देनजर सभी प्रदेशवासियों को सस्ता इलाज देने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम को तेज करने की तैयारियां जोरों पर है। साथ ही आभा आईडी कार्ड बनाने के लिए भी डीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी लोगों को आयुष्मान भव अभियान में निहित चारों कार्यों के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए पोर्टल भी बनाया जा चुका। वहीं दूसरी ओर सीएमओ डॉक्टर जय जैन ने बताया कि 5 साल के बच्चे से लेकर वृद्धा अवस्था से जुड़े सभी वे लोग जिनका आधार कार्ड है, अपनी आभा आईडी बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आभा आईडी हमारी समस्त हेल्थ से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास रखेगी, जिसका एक नंबर होगा। पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 4 कैटेगरीज हैं मोटी मोर और लेस। एक तो हो गया हमारा आभा आईडी बनना, जितने भी हम सभी लोग हैं जिनका सबका आभा आईडी बने, हेल्थ एक रजिस्टर टाइप का बन जाए। एक है हमारा रक्तदान का, एक है हमारा अगर किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है या कुछ करना है तो वो, और एक आयुष्मान कार्ड बनाना। तो ये 4 कैटेगरीज में है, और सब जगह कैंप्स लग रहे हैं, और सभी में जागरूकता ये फैलाई जा रही है कि अपना अपना सब जो आभा आईडी है, या किसी को रक्तदान करना है या किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है तो तत्काल आ गए, और एक पोर्टल बना रखा है और उस पोर्टल पर आयुष्मान भव करके इसमें 4 प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए, माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 2 अक्टूबर तक के लिए। तो उसमें एक तो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने हैं, और लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड करना है। तो कल तक के हिसाब से हमारे देहरादून में 56 कैंप हम ब्लड डोनेशन के लगा चुके हैं, और करीब 2,500 यूनिट ब्लड हमने इसमें कलेक्ट कर लिया है, और 4,500 लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड इसमें कर दिया। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाने थे 2 अक्टूबर तक, दूसरा इसमें आयुष्मान कार्ड। कई महीनों से लगातार भूस्खलन की मार झेल रहे पगनू गांव के निवासी अब पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस गांव में अब फॉरेस्ट विभाग की चौकी साथ मंदिर, दुकान, विद्यालय और कई परिवारों के आशियाने और रास्ते, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते पूरे गांव में काफी सन्नाटा पसर चुका है। गाँव के लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जा रहे। आपदा पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी तक शासन प्रशासन द्वारा गाँव को बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। जोशीमठ भूधसाव के कारणों को जानने के लिए देश के बड़े 8 रिसर्च संस्थानों ने अध्ययन किया था। वैज्ञानिक संस्थानों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे सरकार को सार्वजनिक करना पड़ा। रिपोर्ट तकरीबन 700 पन्नों से ज्यादा की है। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सीवेज सिस्टम नहीं होने से पानी सीधे चट्टानों में जा रहा है, जिसकी वजह से भूधसाव
बदलाव हो रहा है, जमीन में 30 मीटर तक पानी रिस रहा है, साथ ही जोशीमठ में भविष्य में बड़े निर्माण पर भी लगाम लगाने की बात कही है। जो जोशीमठ की पिछले दिन एक समस्या हमारे सामने आई थी, हालांकि उस समय भी हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी हमारे विभाग ने वहाँ बहुत बारीकी से जांच की थी, और जिस प्रकार से वहाँ अनियोजित विकास हुआ उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। जहाँ हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं, जहाँ हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, ये वास्तव में अब आने वाले टाइम पे सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रकार के आने वाली जो हमारी समस्या है दोबारा से पैदा ना हो। नैनीताल हाईकोर्ट को सख्ती के बाद आखिरकार सरकार को जोशीमठ भूधसाव पर वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा। करीब 718 पन्नों में 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की ये रिपोर्ट के अनुसार जमीन में पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने से भूधसाव हो रहा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने अपनी 139 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी, इसे भी अब सार्वजनिक कर दिया गया है। रिपोर्ट में जोशीमठ में भूधसाव के कई कारणों और टाइम प्लानिंग का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। सरकार ने 8 विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं को भूधाव और जोशीमठ की जड़ में निकल रहे पानी के कारणों को जानने के लिए मैदान में उतारा था। तमाम वैज्ञानिक संस्थानों से बहुत पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार की सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने इसे दबाए रखा। आठ संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सबसे जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया, अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी PDNA हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रसिद्ध की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी DPR जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है, और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं PWD इरिगेशन, उनसे भी ये रिपोर्ट शेयर की गई है ताकि जो भी DPR बनाए उसमें इसका ख्याल रखे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहें JNTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल दुग्ध संघ के लालकुआं स्थित आंचल दूध प्लांट में समय हड़कंप मच गया, जब अचानक प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। अमोनिया गैस के रिसाव होने के चलते यहां काम कर रहे करीब 8 कर्मचारी बेहोश हो गए। इसके बाद आनंद फानन में इलाज के लिए 2 कर्मचारियों को हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की स्थिति नियंत्रण में है, फिलहाल प्लांट को बंद कर दिया गया है। घटना सुबह की बताई जा रही है। SDM परितोष वर्मा ने कहा कि गैस का किस कारणों से रिसाव हुआ है इसकी जांच जारी है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गैस रिसाव की जानकारी अभी मिली है, और जो अभी प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता चला है कि 2 लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिन्हें बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिलहाल अभी खतरे की स्थिति से उनको बाहर बताया जा रहा है। सर, कारण क्या बताया जा सकता है? अभी स्पष्ट कारण कोई स्पष्ट नहीं है, जैसे जाँच की जा रही है, जो भी कारण होंगे उससे वाकिफ कराया जाए। चंपा
चंपावत जनपद के सूखी डांग क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी से जा रहे राहगीरों पर एक बार फिर गुलदार ने हमला कर दिया। सूखी डांग क्षेत्र निवासी पान सिंह और पूरन तिवारी किसी कार्य के सिलसिले से जा रहे थे, तब अचानक गुलदार ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद गुलदार उन्हें छोड़कर झाड़ियों में भाग गया, जहां से दोनों घायलों को 108 की मदद से टनकपुर उप जिला चिकित्सालय लाया गया। गुलदार द्वारा किए गए हमले में बैक सीट पर बैठे पूरन तिवारी को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं पान सिंह को भी कई जगह चोट लगी है। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही वन विभाग के अधिकारी भी टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंच चुके हैं। वहीं इस बारे में वन क्षेत्र अधिकारी गुलजार हुसैन ने बताया कि हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में वन विभाग ने 3 पिंजरे और 8 ट्रैकिंग कैमरे स्थापित किए गए हैं। वन तिवारी जी जो सुखीडांग क्षेत्र के निवासी हैं, उन्हें 8वीं मील से थोड़ा सा ऊपर जो है लगभग टनकपुर से 13-14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी, वहां पर उन्हें घायल कर दिया गया है और काफ़ी जो है उनके गले में पीछे की तरफ निशान है और कमर पे भी निशान है। उनके साथ जो स्कूटी जो चला रहे थे उनको भी घायल कर दिया गया है। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया। वित्त और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास विभाग द्वारा HP घटक में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आवास और विकास परिषद द्वारा निजी विकासकों के सहयोग से हरिद्वार में संचालित बेरली रुड़की आवासीय परियोजना के तहत 628 श्याम नगर गदरपुर आवासीय परियोजना, उधम सिंह नगर के अंतर्गत 238 गंगापुर गोसाई आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर के अंतर्गत 120 और उकरौली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर के अंतर्गत 319 लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया। आवास आवंटन प्रक्रिया को पूर्णतया पारदर्शी बनाए जाने के लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे प्रदेश में विभिन्न लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 2017-18 से योजनाएं स्वीकृत थी और 20 परियोजनाओं को हम लोग अपने प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें आज रुड़की बेलड़ी आवासीय परियोजना हरिद्वार में जो चल रही है उसमें 628 लोगों को, श्यामपुर गदरपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में जो चल रही है उसमें 238 लोगों को, गंगापुर गोसाई आवासीय योजना उधम सिंह नगर में चली 120 लोगों को, उकरोली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 319 लाभार्थियों को, यानी कुल 1305 लोगों को सीधा लाभ देने का हमने जो आज भी कार्यक्रम किया, उन लाभार्थियों को बुला के उनके सामने पारदर्शी तरीके से लॉटरी ऑनलाइन निकाल के उनको आवंटन पत्र हमने जारी किए। मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण स्मरण करते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री जोशी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक और चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। काबीना मंत्री जोशी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का स्मरण करते हुए कहा कि उनका मानना था कि भारत को औद्योगिकीकरण के रास्ते पर चलते हुए अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें आर्थिक कमजोरियों को दूर करते हुए अपनी मजबूती कृषि पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनसंघ के स्थापकों में एक भारतीय जनसंघ के महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को हमने मनाया है। जिस चिंतन विचार को लेकर आज केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एकात्म मानववाद और उनका कहना था कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति पर विकास की लहर पहुंचनी चाहिए,
उसी को साकार करते हुए आज मोदी जी दो बार देश के प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार फिर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनके विचारों को आत्मसात किया है और आज मुस्लिम विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ पर नमन किया है और हमने संकल्प किया है कि हम दीनदयाल जी के विचार मार्ग पर चलेंगे। 18 सितंबर से रुड़की के रविदास घाट पर बेड़ला के पीड़ित परिवार धरने पर बैठे हैं। परिवार और समाज के लोग अनुसूचित आयोग और शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। बेड़ला के पीड़ित परिवारों को उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला। बसपा प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने अनुसूचित आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांगों को मान लिया होता और न्याय कर दिया होता तो आज बसपा के सदस्यों को धरने में पीड़ित परिवार का साथ देने नहीं आना पड़ता। हम अगर मांगे मान ली जाती या इनको न्याय मिल जाता तो बहुजन समाज पार्टी आज समर्थन देने के है के लिए आती। हम लोग इनके समर्थन में पूरा हमारे सारे विधायक पूरी बहुजन समाज पार्टी धरना स्थल पर पहुंची है। इनका पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी पहले ही दिन से कर रही है। लेकिन अगर होती तो यहाँ आते हम दोनों गए। पूरी बहुजन समाज पार्टी आज से ही थोड़ा ही है भाई, ये तो पहले दिन से ही माननीय मोहम्मद शहजाद जी पहले दिन से ही और दूसरे दिन से हम लगातार सब अधिकारियों से सबसे लगातार बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत वहाँ ये प्रकरण उठाने का काम किया है और रखने का काम किया है और दिल सर ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी बेलडे वालों के साथ है। ऐसे डर रहे क्या और कर लो दस मुकदमों से डर कर नहीं भाग रहे हैं। और मैं समझता हूँ प्रेस को भी मुकदमों की ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है ऐसा प्रेस को पुलिस ने भेज दिया और मुकदमों से डरा दो, ऐसा नहीं है। मुकदमों से नहीं डरेंगे कितने ही कर लो। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव विगत एक महीने से अधिक का समय से लगातार भारी भूस्खलन की चपेट में है। आपको बता दें कि पगनो गांव के लोगों के द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की भी करी। आपदा पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनका गाँव पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। लगातार गाँव में आए दिन भूस्खलन हो रहा है जिस कारण उनका उस गाँव में रहना अब किसी खतरे से खाली नहीं है। परेशान है कि हमारे छोटे बच्चे हमारे बूढ़े हमारे बीमार हमारे जिस प्रकार से हमारा गांव में भूसा हो रहा है उस प्रकार से जो है हमारा गांव पूरा खत्म हो चुका है। और आज हमारा गांव जो है हम जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं। वो लोग कह चुके हैं कहने की जरूरत नहीं है और आज हमको सहायता इसलिए उतना पड़ा अगर प्रशासन पहले ये कार्य कर देता तो हमारे गाय बच्चे सब बेचने को तैयार है। लोगों ने अपने बच्चों को शिफ्ट कर दिया और प्रशासन कहता है कि आप किराए पर हैं हम किराए दिए लेकिन हमारे गाँव में किराए पर रहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो अगर होता बाजार की बात तो हम बाजार में जाते बाजार में किराए लेकिन बाजार नहीं है गाँव है हम जाए कहाँ जाए। इस प्रकार से हम लोग परेशान हैं और यहाँ पर जो प्रशासन का हमारे बन रहा है कि तुम मत बोलिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है हम सब कुछ कर रहे हैं दस टेंट दे रहे हैं लेकिन माँ तारी जो है हमको दो दो टुकड़े और 5 किलो राशन राहत के लिए बांध लिए न राहत मिली है न कुछ मिला है। जनपद उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र के पीपली में यूपी निर्माण निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्ष 2012 और 2013 में यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था पर निर्माण एजेंसी ने केवल एक कच्ची सड़क खोदने के अलावा 10 सालों तक यहां पर एक ईंट तक नहीं लगाई है पर इसके एवज में निर्माण एजेंसी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र पंवार का कहना है कि जब यहां पर कोई काम नहीं हुआ है तो उन्होंने इसके लिए टीआई से जानकारी मांगी जिसके तहत जानकारी मिली कि संबंधित विभाग को 3 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वहीं भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी का कहना है कि उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल से कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम की शिकायत की है और मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर जांच की बात कही है। मैंने सूचना के अधिकार के तहत प्रधानाचार्य राज्य के पॉलिटेक्निक पिपली से
मांगा था कि भाई क्या मामला है, इनको पैसा कितना जारी हुआ कितना, तो उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत में हमें ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने लगभग 200 लाख और 1.5 करोड़ रुपए लगभग एक उनको जारी कर दिया है। और इसके बावजूद भी वहाँ पर निर्माण निगम ने कोई कार्य आज तक नहीं किया है। वहाँ पर धरातल पर अभी तक कुछ एक कच्ची सड़क उन्होंने बनाई, प्लेंथ बना दी, उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपनी निर्माण सामग्री हटा दी। जब इन्होंने निर्माण सामग्री वहाँ से हटाना शुरू किया तो हम तत्कालीन विधायक स्वर्गीय गोपाल राव जी के पास गए कि सारी जनता वहाँ से, धनारी की जनता आई और माननीय विधायक जी से आग्रह किया कि भाई वो निर्माण सामग्री वहाँ से हटा रहे, उनको रोको। माननीय विधायक जी ने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से फ़ोन पे वार्ता करके और उनको भी बोला था, उस समय वो कोई पाठक प्रधानाचार्य जी थे वहाँ, कि इस निर्माण सामग्री को रोको, किंतु इन्होंने रातों रात वहाँ से निर्माण सामग्री हटा दी है। और आज धरातल पर आप ये बताइए कि किसी भी एजेंसी को आपने 3 करोड़ रुपये जारी कर दिया और आज 2023 हो गया है, 2023 तक इनको कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये इस पैसे का उपयोग हुआ या नहीं हुआ। हाँ, वास्तव में जो है काफी और इसी के साथ जनटीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।